अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अज़ीज़ तुलबा तालबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, में स्टडी कर रहे हैं सातवीं जमात का रियाजी मजमून मैथ सब्जेक्ट का सबक नंबर 10, बैंक और मुफरत सूत। प्यारे बच्चों, आज लेक्चर नंबर 3 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज के इस लेक्चर में प्यारे बच्चों, मशकी सवालात नंबर जो 40 है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इस मशकी सवाल में प्यारे बच्चों 4 सवाल दिए हुए हैं, 5 सवाल दिए हुए हैं आपको, जिसमें से 3 सवाल यहाँ पे हल कराए जाएंगे, 2 सवाल आपके लिए घर काम रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 1 है, रेहाना ने स्कूल की सिंचाई क्या में 1500 रुपये 9% फीस साल की शरह से 2 साल के लिए रखे, 2 साल के लिए रखे, इस मुद्दत के बाद उसे कुल कितनी रकम मिलेगी। कितनी रकम उसने 1500 रुपये वहाँ पर रखा सिंचाई का में रखा 1500 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9% फीस साल की शरह से, कितने साल के लिए रखा, मुद्दत कितनी है 2 साल, मुद्दत कितनी है 2 साल, तो उसे कुल रकम कितनी मिलेंगी ये हमको बताना है। ये हमको क्या करना है, ये हमको बताना है। तो प्यारे बच्चों, हमारा फॉर्मूला हमको याद है, मुफरत सूद बराबर असल ज़र ज़रब शरे ज़रब मुद्दत, ठीक है, तकसीम 100। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PRN भी करते कह दें, पी ज़रब आर ज़रब एन अपॉन 100, इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको जो है ये मालूम होना चाहिए कि पी से मुराद क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट असल ज़रब, आर से मुराद शरे सूद जो है यहाँ पर 9% फी साल की शरे है, और एन का मतलब है नंबर ऑफ़ ईयर्स जो मुद्दत है वो, ठीक है। अब फॉर्मूले में हमको वैल्यू पुट करना है, असल ज़रब कितनी है 1500 रुपये है, ठीक है 1500 रुपये, ज़रब शरह कितनी है 9% फी साल की शरह है, और मुद्दत कितनी है 2 साल है, मुद्दत कितनी है 2 साल है, अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये सिफर कट जाएगा, ये सिफर कट जाएगा, ठीक है। 9 को 2 से ज़रब देंगे, 9 × 2 = 18, 18 ज़रब 15, ठीक है 18 ज़रब 15। तो हम इसको मालूम कर सकते हैं आसानी के साथ में, 15 × 8 कितना होता है 120 होता है, 120 के सिफर लिखेंगे, आंसर लगाए 12 आएगा, 15 × 15 = 12, 27। तो 270 रुपये जो है उसको क्या मिलेगा, सूद मिलेगा। अब उसमें क्या है, उस मुद्दत के बाद उसे कुल कितनी रकम मिलेगी ये पूछा गया है, तो 1500 में 270 में 1500 मिला देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमको जवाब मिल जाएगा 1770 टोटल रकम उसको आखिर में मिलेंगी 2 साल के बाद में, 270 रुपये सूद मिलेगा, और उसने जो असल ज़र रखी अपनी 1500 रुपये वो प्लस हो जाएंगी, तो 1770 रुपये जो उसको सूद टोटल रकम जो है वो मिलेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सवाल नंबर 1 हमने हल किए बहुत आसानी के साथ में, सिर्फ हमको जो है ज़ाब्ता याद रखना है, ज़ाब्ता ये है, ज़ाब्ते के याद रखने के बाद में हमने ज़ाब्ते के अंदर वैल्यू को पुट करना है, उसको हल करना है, बस जवाब आसानी के साथ में आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, अगला सवाल दिया हुआ है सवाल नंबर 2, जेठालाल ने बैंक से 10% फीस साल की शरह से 2,50,000 रुपये 5 साल की मुद्दत पर कर्ज लिया, कर्ज कितना लिया है 2,50,000, 2.5 लाख रुपये जो इसने जेठालाल ने कर्ज लिया है, और सूद की शरह कितनी है 10% फीस साल की शरह से, ठीक है, और कितने साल के लिए है 5 साल के लिए, तो हर साल उसे कितना सूद देना होगा और कुल रकम कितनी देना होगी। यहाँ 2 चीज़ पूछा गया है, कितनी चीज़ पूछा गया है, सबसे पहले तो उसे हर साल सूद कितना देना पड़ेगा वो पूछा गया है, और फिर टोटल रकम उसको टोटल कितनी अमाउंट वापस करना पड़ेंगे बैंक को वो पूछा गया है। तो सबसे पहले मेरे पास हमको मालूम करना है कि जो 1 साल में उसे कितना सूद देना पड़ेगा, 1 साल में उसे कितना सूद देना पड़ेगा, तो हमारा ज़ाब्ता है मुफरत सूद बराबर असल ज़र ज़रब शरे सूद ज़रब मुद्दत, ठीक है, शरे सूद भी कर सकते हैं, शरे भी लिख सकते हैं, हमको सिर्फ फॉर्मूले से मतलब अपॉन 100, ठीक है, असल ज़र कितना है 2.5 लाख रुपए है, 2,50,000, ज़रब शरे कितनी है 10% फी साल की शरे है, हाँ मुद्दत कितनी है, हमको जो यहाँ 5 साल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1 साल का पूछा है, हर साल का पूछा है ना, तो हमको 1 साल का पहले निकालना पड़ेगा, तो मुद्दत हम 1 साल लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, मुद्दत कितनी लिखेंगे 1 साल लिखेंगे अपॉन 100,
एक साल के हमको मिल जाएंगी, तो हम कह सकते हैं हमारा जवाब रहेगा कि हर साल उसे जो है इतना सूद हर साल अदा करना पड़ेगा, फिर उसमें 5,000 दे देंगे तो हमको टोटल सूद मालूम पड़ जाएगा, और टोटल सूद में हम जो असल ज़र में मिला देंगे तो हमको टोटल अमाउंट मालूम पड़ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से अब ये सिफर कट जाएगा, ये सिफर कट जाएगा, बचा कितना बचा, 25,000 रुपये बचाए, 25,000 रुपये बचाए, ज़रब एक बोले तो एक ही वही हो गया जवाब। तो एक साल का उसको सूद कितना देना पड़ेगा, 2,50,000 पर 25,000 रुपये सूद देना पड़ेगा एक साल। अब इसको अगर हम 5,000 वो दे देते हैं तो 5,000 बचा बचा 25 के 5 आशी लाए 2, 5 दुनी 10 और 2 12, तो 1,25,000 रुपये उसको टोटल जो है 5 साल के बाद में 1,25,000 रुपये उसको सूद देना रहेगा, 1,25,000 उसको टोटल जो है वो सूद देना रहेगा। अब क्या करेंगे हम, जो असल ज़र हमको मालूम करना है कि जो सूद की अमाउंट है वो और जो असल ज़र इसने लिया है वो, ये दोनों मिलाकर जो है उसको असल जो टोटल अमाउंट है कुल ज़र रहेगा, तो कुल ज़र उसको इतना बैंक में देना पड़ेगा। तो कुल ज़र का ज़ाब्ता हमारा, कुल ज़र बराबर असल ज़र जमा सूद, इसके पहले हमने फार्मूले के देखे, असल ज़र कितनी है उसकी, 2,50,000 रुपये है, 2,50,000 है, जमा सूद कितना देना उसको, 1,25,000 देने, दोनों की जमा करेंगे हम, तो दोनों की जमा करने के बाद हमको जवाब मिलेगा 3,75,000, ठीक है, 3,75,000 रुपये इतनी अमाउंट उसको देना रहेगी। टोटल अमाउंट जो है 3,75,000 रुपये उसको जो है 5 साल के बाद बैंक को लौटाना रहेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मशकी सवालात नंबर 40 हमने देखे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ही हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है वो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।